सारी सब्जियां भी अच्छी अच्छी आती है, मन से लगाएंगे तो वो अच्छी होगी। अभी जनवरी फरवरी मार्च तक ये सीजन अच्छी है। एक टमाटर मैंने इसमें नहीं लेने का था। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। अभी तो ठंडी का सीजन है तो मटर भी अच्छे आ रहे हैं, बेबी कॉर्न भी अच्छे आ रहे हैं और सारी सब्जियां अब ठंडी के सीजन में मतलब जनवरी में तो बहुत ही अच्छी आती है। हाँ तो चलो आज हम बनाएंगे बेबी कॉर्न और मटर की सब्जी। हाँ तो बेबी कॉर्न और मटर की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें चाहिए बेबी कॉर्न, मैंने ये एक पैकेट बेबी कॉर्न लिए है, उसका मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हैं। एक कटोरी भर के मैंने मटर लिए हैं, हाँ तो एक टमाटर मैंने बारीक बारीक चॉप करके काट के ले लिया है। हमने लिया है एक प्याज, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट कर लिया। हमें चाहिए उसमें थोड़ा सा दही, तो उसके लिए मैंने दही लिया है। ये लहसुन की पेस्ट ली है। हमें चाहिए थोड़ी सी शक्कर, कटा हुआ हरा धनिया, नमक, बटर, पीसी हुई हरी मिर्च और अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये है हमारे सारे सूखे मसाले, वो भी हमें चाहिए साथ में। तो चलो हम अभी मटर और बेबी कॉर्न की सब्जी बनाना के लिए रेडी है। हाँ तो चलो गैस चालू करके मैं पैन रख देती हूँ, इसमें मैं डालूंगी तेल और इसमें एक चम्मच डालूंगी बटर। बटर और तेल दोनों हमें डालना है, तो एक चम्मच डालूंगी मैं बटर। हमारा तेल अच्छी तरह से पिघल गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो बेबी कॉर्न है वो। बेबी कॉर्न और मटर हम दोनों सोते कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल के पका लेते हैं, तो आधा कप जितना हम इसमें पानी डालते हैं। हाँ तो अभी हमारी 5 मिनट हो गई है, अब मैं देख लेती हूँ कि अभी हमारी बेबी कॉर्न और मटर पके या नहीं। हाँ हमारा बेबी कॉर्न और मटर अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं उसको साइड पे रख देती हूँ और वहाँ हम कांदा और टमाटर की ग्रेवी बना लेती हूँ। अब गैस पर कढ़ाई रख के सारे मसाले और भी सारे मसाले जो हमें ऐड करना है वो कर देते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच से 4 चम्मच तक तेल। हाँ तो ये मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को हमें गर्म होने देना है। गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। पाव चम्मच हींग। हम पहले डालेंगे प्याज।
प्याज को हम थोड़ा पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने लहसुन की पेस्ट ली है वो, एक चम्मच भर लहसुन की पेस्ट, आधा चम्मच अदरक और हरी मिर्च। दादी थोड़ा नीचे से दिखाते रहते हैं, मतलब आपका हाथ थोड़ा इधर से डालोगे तो अच्छा। अच्छा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब डालेंगे हम इसमें टमाटर। टमाटर और प्याज को हम 5 मिनट तक ढक्कन ढक के अच्छी तरह से पका लेंगे। हाँ तो हमारी 5 से 7 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्याज और टमाटर पक के अच्छी तरह हुआ ही या नहीं। हमारा प्याज और टमाटर पक के अच्छी तरह रेडी हो गया है, अब हम इसमें डालने हैं बहुत सारे मसाले। डालेंगे ये जो हमने गरम मसाला लिया है वो, 1 चम्मच भर गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और हम सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। हाँ अभी हमारी सब्जी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास बचा हुआ मटर है वो। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह रेडी हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे हमने जो मटर और वेजिटेबल को जो सोते करके रखा है वो। हमारी मसालेदार और टेस्टी मटर और बेबी कॉर्न की सब्जी रेडी हो गई है, अब मैं आपको सजा के दिखा दूंगी, तो आपने देखा कितना उसका रंग भी अच्छा आ गया है, तो 2 मिनट में मैं आपको सजा के उसको दिखा देती हूँ। हाँ तो चलो हमारी बेबी कॉर्न और मटर की सब्जी रेडी है, अब हम इसे धनिया से थोड़ा सजा के दिखा देंगे आपको। आप उसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।